पार्ट टू में हमने महर्षि दयानंद का कहाँ से लेकर नवोदय तक पढ़ा था आज हम इसके आगे से पढ़ेंगे हिंदी अनुवाद सहित गुरु वीरजानंदो अभी कुसागर बुद्धिम दयानंदम त्रीर्ण आवत यावत पाने गुरु वीरजानंद बुद्धि वाले दयानंद तीन वर्ष तक पालनी के अष्टाध्यायी मनानीच्य शास्त्राणी अध्यापया मास अष्टाध्यायी अन्य शास्त्र आदि का अध्ययन किए विद्या दयानंद पर श्रद्धया गुरुम विद्या समाप्त होने पर दयानंद श्रद्धा पूर्वक गुरु से कहते हैं भगवान अहम केवलम लवंग जातमेव सम्मी अनुगृहै तो भाव अंगीकृत गुरु दक्षिणाम भगवन् मैं दरिद्र तन और मन से केवल आपके लिए लवंग का एक जोड़ा लेकर आया हूँ इस गुरु दक्षिणा को लेकर मुझे अनुग्रहित करें प्रीतः गुरु अस्तम भाषा सौम्य गुरु खुश होकर कहते हैं सौम्य विदित मेवदी तब्योसी नास्तिक किमपि अविदितम तब जो कुछ तुम्हें जानना चाहिए था वो तुम जान चुके हो अब तुमसे कुछ भी अनभिज्ञ नहीं रहा है द्वे अस्माकम देस अज्ञान अंधकारे निमग्नो वर्तते आज हमारा देश अज्ञान के अंधकार में डूबता जा रहा है नारिय अनाद्रियंत नारियों का अनादर हो रहा है शूद्राश्च्य तिरस्क्रियंत शूद्रों को तिरस्कार किया जा रहा है अज्ञानी न पाखंडी नश्च पूज्यंत अज्ञानी और पाखंडी पूजे जा रहे हैं वेद सूर्योदय मंत्रा अज्ञान अंधकारम न गमिष्यति वेद रूपी सूर्य के जब तक उदय नहीं होता तब तक इस अज्ञान रूपी अंधकार को दूर नहीं किया जा सकता स्वस्थ यस्तु ते तुम्हारा कल्याण हो उन्मत पतितान पत्ते को उठाओ समुद्र स्त्री जातम स्त्री जातियों का उद्धार करो खंडे पाखंडम पाखंडियों का खंडन करो ई मेव अभिलाषा यही मेरी इच्छा है ई मेव च मैं गुरु दक्षिणा और यही मेरी गुरु दक्षिणा है गुरुड़ा एवं अज्ञात महर्षि दयानंद गुरु के इस प्रकार के आज्ञा को महर्षि दयानंद एदत देशवासिनों जनान उधर तु कर्म क्षेत्र वातरत देश में निवास करने वाले लोगों के उद्धार हेतु कर्म के क्षेत्र में उतर गए सर्वप्रथम हरिद्वारे कुंभ परमाणि भागीरथ तटे खंड खंडनी पताका मस्थापयत सबसे पहले हरिद्वार के कुंभ पर्वत पर भागीरथ के तट पर पाखंड खंडी का स्थापना किए ततच हिमद्रीम गत्वा त्रीण वर्षाणी तप अतपयत वहाँ पर वो हिमालय पर्वत पर तीन वर्ष तक तपस्या किए मयम प्रतिपादितवान और वहाँ पर उसे प्रतिपादित किए ऋगजुस्सा माथवर्णो वेद नित्या ईश्वर से ऋग यजुर् अथर्व वेद नृत्य कृत है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यूद्राम गुण कर्म स्वभावे ब्राह्मण क्षत्रिय वय शूद्र गुण कर्म और स्वभाव पर अलग हुए हैं न तू जन्मना न कि जन्म पर चतवार एवं आश्रम आश्रम चार हैं ईश्वर एक ईश्वर एक है एव ब्रह्म पितृ देवातिथि बलि देवा, पंच महायज्ञ ब्रह्म पिता देव अतिथि और बलि वैष्णदेव का ये पाँच महायज्ञ रोज करना चाहिए स्त्री शूद्र वेदम नाधीयताम स्त्री शूद्र को वेद का अध्ययन करने का अधिकार नहीं था अस्य वाक्य से असारताम प्रतिपद्य सर्वेशा वेदाध्यकार व्यवस्थायात इनके लिए उन्होंने वेद का अध्ययन करने के लिए व्यवस्था किया एवं मयम पाखंड मूल्यान वैदिक वैदिकधर्म संस्थापना सर्वत्र भ्रमति स्म इसके बाद पाखंडियों का नाश करके वैदिक धर्म का स्थापना के लिए सभी जगह भ्रमण करते रहे एव ज्ञान महादीपो देवोदयानंद या देश जाति देशजातियोंधाराए प्रतम तदर्थ स्वजीवनमें दत्तवा मुक्तंचाग्छत महर्षि जीवनम नून मन करि मस्ती इस प्रकार आर्य ज्ञान के महादीपक देव दयानंद अपना सारा जीवन देश के लोगों के उद्धार के लिए न्यौछावर कर दिए और मुक्ति को प्राप्त हो गए उनके इस महान जीवन से निश्चित ही हमें अनुसरण करना चाहिए तो बस ये था संपूर्ण हिंदी में व्याख्या महर्षि दयानंद पाठ का आई होप कि आपको वीडियो जरूर अच्छा लगा हो वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना